हेलो स्टूडेंट्स टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द बेसिक फिगर्स ऑफ स्पीच दैट आर यूज्ड इन लिटरेचर सो हियर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच एज वेल एज दियर एग्जांपल्स सो लेट इज स्टार्ट वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम जानेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच होती क्या है एक्चुअली फिगर्स ऑफ स्पीच होता है एक वर्ड और एक फ्रिज यूजिंग फिगरेटिव लैंग्वेज फिगरेटिव लैंग्वेज मीन डेकोरेटिव लैंग्वेज लैंग्वेज देट हैज़ अदर मीनिंग दैन इट्स नॉर्मल डेफिनेशन मीन जब एक सेंटेंस में एक लैंग्वेज में फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ किया जाता है तो उसका लिटरल मीनिंग यानी शाब्दिक अर्थ नहीं होता बल्कि इसका कोई और ही मीनिंग होता है इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि दे आर हैविंग सम इम्प्लाइड मीनिंग एम्प्लाइड निहितार्थ को कहते हैं रादर देन ए डिक्शनरी मीनिंग फिगर ऑफ़ स्पीच को यूज़ किया जाता है लैंग्वेज को और ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा एक्सप्रेसिव और और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इन शॉर्ट अगर हम देखते हैं कि एक नॉर्मल सी चीज़ देखने में इतनी सुंदर नहीं लगती लेकिन अगर उसी को डेकोरेट कर दिया जाए तो बहुत ब्यूटीफुल लगती है सेम वे एक सिंपल लैंग्वेज में भी अगर फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है तो वो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक एंड सोफिस्टिकेटेड लगने लगती है तो थ्रू दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द बेसिक फिगर्स ऑफ स्पीच द फर्स्ट वन इज सिमले सिमिली इज़ अ कम्पेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ अ सिमिलैरिटी पॉइंट एंड इट टेक्स द वर्ड्स लाइक सो एच सो स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं सिमिली की तो सिमिली होती है एक कंपेरिजन एक तुलना दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में और इस कंपेरिजन में यूज होता है कुछ वर्ड्स जैसे कि लाइक सो या एच इट मीन्स अगर सिमली के बेसिक पॉइंट्स की बात की जाए तो सिमली में तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मस्ट बी टू ऑब्जेक्ट्स दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए सेकेंड देयर मस्ट बी द यूज ऑफ लाइक सो और एज इन दो ऑब्जेक्ट्स जो कि एक दूसरे से एंटायरली डिफरेंट है पूरी तरह से डिफरेंट है अपने नेचर में इनके बीच जो कंपैरिजन हो रही है उसमें लाइक like, सो so, या एज का यूज होना चाहिए थर्ड्स है कि वहाँ एक सिमिलैरिटी पॉइंट जरूर होना चाहिए द कंपेरिजन इज ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलैरिटी बिट्वीन द ऑब्जेक्ट्स हियर वी आर सींग द एग्जाम्पल लाइक ही इज टॉल लाइक अ माउंटेन इस सेंटेंस में हमने देखा ही हैज़ बीन कंपेयर्ड विद अ माउंटेन ही अउंटेन को कम्पेयर किया गया ही इज अ ह्यूमन बींग एंड माउंटेन इज माउंटेन तो दो ऑब्जेक्ट्स दैट आर वेरी मच डिफरेंट टू इच अदर एंटायरली डिफरेंट उनकी कैटेगरी डिफरेंट है एंड देन उनके बीच एक कंपेरिजन हुई है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द वर्ड लाइक टॉल टॉल को लेके हाइट को लेके जो एक कंपेरिजन हुई है तो तीनों कंडीशन सिमिली ने पूरी की दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देन लाइक सो या एस एंड एक सिमिलरिटी पॉइंट दैट इज हाइट शी इज सिंपल एज अ का शी को कंपेयर किया गया एक काउ से शी इज अ ह्यूमन बींग काउ इज एन एनिमल एंड एज वर्ड का यूज हुआ है और एक सिमिलरिटी पॉइंट सिम्प्लिसिटी सो सिमिलर इज अ कम्पेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद लाइक्स एच ऑन अ सिमिलरिटी पॉइंट दैट इज सिमिले नेक्स्ट वी हैव मेटफर अ मेटफ़र इज अ डायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन टू एंटायरली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विदाउट द वर्ड लाइक सो एच इन शॉर्ट हम कह सकते हैं इन मेटाफर वन थिंग इज गिवन डायरेक्टली द फॉर्म ऑफ अनदर मेटाफर में जो कंपैरिजन होती है उसमें लाइक like स्वर्ज का यूज़ नहीं करते बल्कि डायरेक्टली एक चीज़ को दूसरी चीज़ का रूप दे दिया जाता है हिंदी में जिसे हम रूपक भी कहते हैं यहाँ भी सिमिलैरिटी पॉइंट होना जरूरी है सिमिली में हमने पढ़ा था ही इज लाइक अ माउंटेन वो माउंटेन के जैसा है बट हियर इन मेटाफर ही इज़ अ माउंटेन वो माउंटेन है उसको माउंटेन कहा गया माउंटेन की जैसा हम स्ट्रांग मान सकते हैं माउंटेन की जैसा हम हाई मान सकते हैं तो एक सिमिलैरिटी पॉइंट पर वन थिंग को डायरेक्टली अनदर थिंग का फॉर्म दे दिया गया ये मेटाफर हुआ शी इज़ अ काऊ शी को डायरेक्टली काऊ की फॉर्म दी गई वो काऊ नहीं है ओब्वियसली हमें पता है एक तरह की कंपेरिजन ही है लेकिन ऐसी कंपेरिजन जिसमें हमने बिना लाइक स्वेज के डायरेक्टली वन थिंग को दूसरी चीज़ की फॉर्म हमने दे दी दैट इज़ मेटाफर नेक्स्ट हमारे पास है पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन होता है स्टूडेंट्स मानवीयकरण वेन एन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट और अ नॉन लिविंग थिंग इज गिवन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स और सेट टू डू द वर्क दैट डू इट इज द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन जनरली क्या होता है कि एक इन एनिमेट या नॉन लिविंग निर्जीव वस्तु को ह्यूमन क्वालिटीज दे दी जाती है ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दिए जाते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो जनरली कौन करते हैं ह्यूमन बींग्स तो वो कहलाता है परसोनिफिकेशन यानी एक अमानवीय चीज को मानव की तरह दिखाना इंसान की तरह दिखाना वो होता है परसोनिफिकेशन यानी मानवीय कर। फॉर एग्जाम्पल इफ वी सी द टायर्ड ओल्ड कार कफ्ड एंड वीज्ड एंड क्रॉल डाउन द स्ट्रीट कोई ओल्ड कार जा रही है अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करती हुई तो उसके लिए कहा गया ओल्ड कार इज कफिंग विजिंग एंड क्रॉलिंग कफिंग खांसना विजिंग साउंड प्रोड्यूस करना एंड क्रॉलिंग रिंगना यानी एक ओल्ड कार बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करती हुई जो है वो रिंगती हुई जा रही धीरे धीरे जा रही है तो ये चीज़ें इंसान करता है कार नहीं करती हम नॉर्मल इसको ये कह सकते थे दैट वॉज प्रोड्यूसिंग अ लाउड नॉइज एंड दैट वॉज गोइंग वेरी स्लोली बट ह्यूमन की तरह एक्शंस दिखाए गए इट मीन्स कार को परसोनीफाई किया गया टायर्ड भी नहीं होती ऑब्वियसली कार दैट पीस ऑफ चॉकोलेट केक इज़ कॉलिंग माई नेम इट मीन्स क्या है कि कोई चॉकलेट केक देख कर मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो एपिटाइट फील हो रही है क्रेविंग फील हो रही है और मैं ये कह रही हूँ कि वो चॉकलेट पीस जो है मुझे बुला रहा है मेरा नाम बुला रहा है तो ऑब्वियसली देट चॉकलेट केक इज़ नॉट हैविंग टंग वो नहीं बुला रहा बट उसे हमने ह्यूम्स की तरह एट्रीब्यूट दिए तो ये कहलाया परसोनिफिकेशन नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एलिट्रेशन एलिट्रेशन होती है एक साउंड साउंड डिवाइस एलिट्रेशन इज़ द रिपीटिशन ऑफ सेम कंसोनेंट साउंड्स इन द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स प्लेसड क्लोजली टूगेदर इन अ लाइन ऑफ स्टेंजा जब पोइट्री की किसी लाइन में या फिर एक पूरे स्टेंजा में जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं आस पास की वर्ड्स अगर सेम कन्सोनेंट साउंड से शुरू हो तो ये कहलाते हैं एलिट्रेशन इट इज अ फिगर ऑफ़ स्पीच दैट इज दट इज रिलेटेड टू साउंड नो टू मीनिंग ये साउंड से रिलेटेड फिगर ऑफ स्पीच है जब आप इन लाइन्स को बोलते हो तो एक अलग सा आर्टिस्टिक इफेक्ट क्रिएट होता है लाइक द फेयर ब्रिज ब्लू द वाइट फॉम फ्लू द फर्रो फोलोड फ्री यहाँ देख रहे हैं हम कि एफ की साउंड बार बार वर्ड्स की बिगिनिंग में रिपीट हो रही है और बी की साउंड भी दो बार रिपीट हुई तो जब कॉन्सोनेंट साउंड इस तरह से वर्ड्स की बिगिनिंग में रिपीट होती है एक लाइन में एक्सटेंजा में आस पास के वर्ड्स में तो ये कहलाता है एलिट्रेशन हिंदी में जिसको हम अनुप्रास कहते हैं तो ये साउंड रिपीट जो हुई वो एलिट्रेशन कहलाई नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है एसोनेंस एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ सेम व साउंडस इन द मिडिल ऑफ वर्ड्स प्लेस्ड क्लोजली टूगेदर इन अ लाइन और अ स्टेंजा जब वॉवल साउंड रिपीट होती है चाहे बिगिनिंग में चाहे मिडिल में या सिर्फ वॉवल की रिपीटेशन की बात नहीं है बल्कि उससे प्रोड्यूस होने वाली साउंड भी होनी चाहिए जैसे ए अगर हम वॉविल की बात करते हैं ए तो कभी ये आ की साउंड बना रही है कभी ए की तो यहाँ रिपीटिशन वोवेल का नहीं बल्कि साउंड का होना चाहिए तो वो कहलाता है एसोनेंस जब क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स जो होते हैं दे हैव द सेम वोवेल साउंड अगेन एंड अगेन देन इट इज़ कॉल्ड एसोनेंस ये भी आपकी साउंड से रिलेटेड फिगर ऑफ स्पीच है जैसे कि द लाइट ऑफ द फायर इज अ साइट लाइट फायर साइट तो आई की साउंड जो है वो सेम वॉवेल साउंड प्रोड्यूस कर रही है गो स्लो ओवर द रोड ओ की साउंड ओ साउंड बार बार प्रोड्यूस करिए एक लाइन में चार वर्ड्स जो हैं वो ओ की साउंड में है तो ये असोनेंस कहलाए कि एसोनेंस बिगिन में भी हो सकता है और मिडिल में भी हो सकता है एलिट्रेशन सिर्फ बिगिनिंग में था कॉन्सोनेंट साउंड के साथ एसोनेंस बिगिनिंग में भी हो सकता है और मिडिल में भी हो सकता है लेकिन साउंड वॉवल की होनी चाहिए नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस कॉन्सोनेंस इज अगेन द रिपीटिशन और ये रिपीटिशन होता है कॉन्सोनेंट साउंडस का लेकिन बिगिनिंग में नहीं बल्कि मिडिल ऑफ द वर्ड्स में आस पास के वर्ड्स जो होते हैं उनके मिडिल में या एंड में सेम साउंड आए तो वो कॉन्सोनेंस कहलाती है कॉन्सोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन द मिडिल ऑफ वर्ड्स प्ले क्लोजली टूगेदर इन अ लाइन और अ अस्टेंजर इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू साउंड जैसे आई विल क्रॉल अवे द बॉल एल साउंड इज बींग रिपीटेड विल क्रॉल बॉल एंड देन ही स्टूड ऑन द रोड एंड क्राइड डी साउंड इट इज़ बिंग रिपीटेड सो ये कहलाती है कॉन्सोनेंस सो so, हमने तीन देखी साउंड से रिलेटेड डिवाइसेज फर्स्ट ऑफ ऑल एलेक्ट्रेशन एलेक्ट्रेशन मतलब इफ़ द कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स में कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है तो एलेक्ट्रेशन हुआ एसोनेंस होता है बिगिनिंग या मिडिल में वॉवल रिपीट हो रही है तो वो एसोनेंस है और मिडिल में अगर कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है तो वो कॉन्सोनेंस है तो आपको ये तीनों का डिफरेंस ध्यान रखना है नेक्स्ट है एनाफोरा एनाफोरा स्टूडेंट्स वेन टू और मोर लाइन्स इन अ स्टेंजा बिगिन और एंड विद द सेम वर्ड और फ्रिज इट इज कॉल्ड एनाफोरा जब एक स्टेंजा की दो लाइन्स सेम वर्ड से सेम फ्रिजेस से स्टार्ट हो रही है या फिर उनके एंड में सेम वर्ड सेम फ्रिजेज हो तो वो एनाफोरा कहलाते हैं एग्जाम्पल से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे एवरीथिंग लुक्ड डार्क एंड ब्लिक एवरी थिंग लुकड ग्लूमिंग एंड एवरी थिंग वॉज अंडर अ ब्लैंकेट ऑफ मिस्ड तो लाइन जो तीन क्लोजेस uh, दिए गए हैं तीनों क्लोजेस शुरुआत हो रहे हैं एवरीथिंग से एवरीथिंग लुक डार्क एंड ब्लीक एवरीथिंग लुक ग्लूमी एंड एवरीथिंग थिंग वॉज अंडर अ मिस्ड तो सेम वर्ड से जब आपके फ्रीजेस सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं तो ये कहलाएगा एनाफोरा लाइक माई लाइफ इज माई पर्पज माई लाइफ इज़ माई गोल माई लाइफ इज माई इंस्परेशन तो यहाँ आपके जो सेंटेंसेज है दे आर स्टार्टिंग विद माई लाइफ वैन योर सेंटेंसेज योर क्लोजेज उपवाक्य जो होते हैं दे स्टार्ट विद द सेम वर्ड और सेम वर्ड्स दिस इज कॉल्ड एनाफरा नेक्स्ट आपके पास है इमेजरी इमेजरी मीन्स टू यूज फिग्रेटिव लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स एक्शंस एंड आइडियाज इन सच अ वे दैट इट अपील्स टू आर फिजिकल सेंस डेफिनेशन से आप हो सकते हैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो बट अगर इमेजरी की हम सिम्पल टर्म्स में बात करें तो इमेजरी जो होती है हमारे सेंसेज को अपील करती है हमारे जो फाइव सेंसेज होते हैं जैसे ही हमने एक लाइन को पढ़ा लाइन को सुना तो एनी ऑफ आर फाइव सेंसेज हमारे फाइव सेंसेस में से कोई भी एक एक्टिवेट हो जाए हम उस चीज़ के बारे में सोच सके या फिर समटाइम व्हाट हैपन्स कि किसी ने कुछ बोला कि वो जो है लाइक like हम ये कह सकते हैं कि पानीपुरी बहुत फूली हुई थी तो हमारे माइंड में या तो फूली हुई पानीपुरी की इमेज आती है या फिर क्या होता है हमारे uh, मतलब जीप पे उसका एक स्वाद सा ताजा हो जाता है तो दैट इज काइंड ऑफ इमेजरी तो इमेजरी वर्ड एसोसिएट है मेंटल पिक्चर से इमेजरी मेक्स यूज ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स दैट क्रिएट विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज इन आर माइंड कि ऐसे ऐसे वर्ड्स का सिलेक्शन होता है कि हमारे माइंड में जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन आता है वो इमेज दिखने लगती है जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कहा जाए द सनसेट वॉज द मोस्ट गॉजियस एवर सीन द क्लाउड्स वर एस्ड विद पिंक एंड गोल्ड तो सनसेट क्लाउड्स पिंक एंड गोल्ड ये सब जब वर्ड्स यूज़ किए गए तो हमारे माइंड में अपने आप एक इमेज आ जाती है सनसेट हो रहा है और आसमान में बादल हैं पिंक है गोल्ड कलर्ड है, है तो ये सब कहलाएगी इमेजरी नेक्स्ट स्टूडेंट्स इमेजरी क्लियर हुई कि इमेजरी जब हमारे माइंड में एक इमेज बनती है तो इमेजरी इमेज image से ही रिलेटेड है जब हमारे सेंसेज एक्टिवेट होते हैं और एक इमेज बनाते हैं तो वो फिगर ऑफ स्पीच जो है आपकी कहलाती है इमेजरी नेक्स्ट हमारे पास है मेटोनिमी मेटोनिमी होती है इज द यूज ऑफ अ लिंक्ड टर्म टू स्टैंड इन फॉर एन ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट वेन वन थिंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विद अनदर थिंग फॉर इट्स यूज और इन एनी अदर वे वी कैन मेक यूज ऑफ मेटोनिमी सिंपल वर्ड्स में अगर बात की जाए तो कई बार दो चीज़ें एक दूसरे से इतनी ज़्यादा क्लोजली एसोसिएटेड होती है जैसे यूज करने के लिए कह सकते हैं हम या फिर किसी और तरह से कि अगर एक चीज़ का यूज़ किया तो दूसरी अपने आप जाहिर हो जाती है सिंपल वे में एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो हम कह रहे थे पेन इज़ माइटियर देन द स्वर्ड पेन जो है वो माइटियर है पेन जो है ज़्यादा ताकतवर है स्वर्ड से तो ऑब्वियसली हम यहाँ बात पेन और स्वर्ड की नहीं कर रहे हैं बल्कि हम बात कर रहे हैं वो पर्सन जो पेन यूज करता है और वो पर्सन जो स्वर्ड यानी तलवार यूज करता है तो पेन किससे एसोसिएटेड है ऑब्वियसली राइटर्स से एसोसिएटेड है और स्वर्ड किससे एसोसिएटेड है फाइटर्स से एसोसिएट है तलवार का यूज फाइटर्स करते हैं पेन का यूज राइटर्स करते हैं तो हम ये भी कह सकते थे राइटर इज़ मोर पावरफुल देन द फाइटर बट हमने कहा पेन इज माइटियर देन द स्वर्ड पेन क्लोजली एसोसिएटेड है राइटर से एंड वर्ड इज एसोसिएटेड विद सॉरी फाइटर तो जब एक लिंक्ड टर्म दो चीजें आपस में इतनी ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ी हो कि एक की जगह हम दूसरे का यूज करें सपोज कहा जाए क्राउन तो क्राउन मतलब किंग आजकल ये कहा जा रहा है चेयर सब चेयर की लड़ाई है तो चेयर क्या चेयर मीन ऑथोरिटी सत्ता तो सत्ता जो है वो चेयर से रिलेटेड है या फिर हम कह सकते हैं ऑनरशिप हो सकती है चेयर से रिलेटेड तो क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड्स का यूज जब किया जाता है तो ये कहलाती है मेटोनिमी नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है सिनेक्डकी सिनेक्डकी इसे कहते हैं प्रोनंसिएशन हम ध्यान रखेंगे सिनेक्डकी दैट इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर द पार्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट द होल और द होल इज यूज टू रिप्रेजेंट द पार्ट कई बार हम पार्ट का यूज़ करते हैं किसी चीज़ के एक हिस्से का यूज कर लेते हैं उस पूरे को दिखाने के लिए और कई बार पूरे का यूज़ कर लेते हैं हिस्से को दिखाने के लिए इन एग्जाम्पल इफ आई से टेन हैंड्स आर वर्किंग टेन हैंड्स काम कर रहे हैं इट मीन्स क्या है आई जस्ट वॉन्ट टू से टेन पीपल आर वर्किंग दस लोग काम कर रहे हैं लेकिन मैंने उनके होल संपूर्ण को दिखाने की बजाय सिर्फ हाथ बता दिए टेन हैंड्स आर वर्किंग मेरे घर में खाने वाले चार मुंह हैं तो अब चार मुंह का मतलब चार इंसान है मुंह अकेला नहीं खाएंगे दैट इज द ह्यूमन बींग्स तो ये जो है दैट इज़ द यूज़ ऑफ सिनिक डे की कई बार हम ये कहते हैं कि होल का यूज़ कर लेते हैं उसके कुछ पार्ट्स को दिखाने के लिए लाइक इफ द वर्ड इज़ नॉट रीटिंग यू वेल दैट वुड नॉट बी द एंटायर वर्ड बट जस्ट अ पार्ट ऑफ इट दैट यू हैव इनकाउंटर्ड ये दुनिया मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रही है तो अब हम पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहे बल्कि मैं तो उतने ही लोगों की उतने ही पार्ट की बात कर रही हूँ जिनसे मैं मिली हूँ जिन्होंने मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं किया बट उसकी बजाय मैंने पूरे सेक्शन को दिखा दिया तो जब होल का यूज किया जाता है पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे वर्ल्ड का यूज हुआ या पार्ट का यूज किया जाता है होल को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे कि हमने यूज़ किया हैंड्स uh, का पीपल को रिप्रेजेंट करने के लिए तो दैट इज़ कॉल्ड सिनेक्टिक सो स्टूडेंट्स दिस वॉज योर फर्स्ट वीडियो ऑफ बेसिक फिगर्स ऑफ स्पीच जिसमें हमने पढ़ा है सिमिली देन मेटाफर Uh, उसके बाद हमने पर्सोनिफिकेशन पढ़ा सिमिली कंपैरिजन है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच लाइक सो ऐसे मेटाफर डायरेक्टली एक चीज़ को हम दूसरी चीज़ की फॉर्म देते हैं पर्सोनिफिकेशन जो है मानवीयकरण निर्जीव वस्तु वगैरह का पेड़ों का पेड़ पौधों का मानवीयकरण कर दिया जाता है एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार होता है कॉन्सोनेंट साउंड्स वर्ड्स के शुरुआत में रिपीट होती है एसोनेंस में वोवल साउंड्स है जो वर्ड की शुरुआत और बीच में कहीं रिपीट होती है कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंस साउंड जो वर्ड के मिडिल और एंड में अगर शुरू में है तो एलिट्रेशन मिडिल और एंड में है तो कॉन्सोनेंस देन एनाफोरा अगर दो या तीन लाइन्स जो है वो सेम सेम वर्ड से शुरू हो रही है तो एनाफोरा हुआ इमेजरी जैसे ही हमने कोई लाइन्स पढ़ी हमारे माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हुई दैट इज इमेजरी मेटोनिमी जब क्लोजली लिंक्ड वर्ड्स यूज होते हैं तो मेटोनीमी कहलाता है जैसे पेन इज माइटियर देन द स्वर्ड एंड नेक्स्ट है सिनेक्डे की जब पार्ट का यूज होल के लिए किया जाए या होल का यूज पार्ट के लिए किया जाए तो ये सिनेक्डे की कहलाता है दीज आर सम ऑफ द बेसिक फिगर्स ऑफ स्पीच इसी वीडियो को हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे तो इसके लिए नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही लेकर आऊँगी बाई द टाइम आई पब्लिश माई नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग कीप एंजॉइंग लिटरेचर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू